दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गावड़े स्पीक्स में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शायर, पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर, एक ऐसे पटकथा लेखक और गीतकार हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं। उनकी शायरी के लिए, उनकी सशक्त पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए, उनके लिखे गीतों के लिए, नज्मों के लिए और उनकी खूबसूरत गजलों के लिए। जावेद अख्तर साहब ने हिंदी सिनेमा के गीतों को अपनी कलम से जादुई अंदाज दिया है। उनकी जादू की कलम का जादू आज के बॉलीवुड में नजर आता है। जावेद अख्तर का असली नाम जादू है। उनके पिता की कविता थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। इसी कविता से उन्हें ये नाम मिला था। जावेद नाम जादू से मिलता जुलता था, इसलिए उनका नाम जावेद कर दिया गया। गजलों को एक नया और आसान अंदाज देने में जावेद साहब का बड़ा योगदान है। उनकी नज्म अदायगी भी कुछ अलग ही है। जावेद साहब का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। जावेद साहब एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसके जिक्र के बिना उर्दू साहित्य का इतिहास अधूरा रह जाएगा। इनके पिता जाननिसार अख्तर प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और माता सफिया अख्तर उर्दू की मशहूर लेखिका तथा शिक्षिका थी। अपने दौर के प्रसिद्ध शायर मुस्तर खैराबादी जावेद साहब के दादा थे। परंतु इतना सब होने के बावजूद जावेद साहब का बचपन विस्थापितों सा बीता। जावेद साहब के सर से माँ का आंचल छोटी सी उम्र में उड़ गया। माँ के देहांत के बाद कुछ दिन वे अपने नाना नानी के पास लखनऊ में रहे। उसके बाद उन्हें अलीगढ़ अपनी खाला के घर भेज दिया गया। इसके बाद वे कुछ दिन अपनी सौतेली माँ के पास भोपाल शहर में रहे। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई यहीं पूरी की और जिंदगी के गहरे सबक भी सीखे। जावेद साहब के करियर की शुरुआत फिल्म सरहदी लुटेरे से हुई। इस फिल्म में जावेद क्लेपर बॉय के तौर पर कार्य कर रहे थे। सेट पर उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई, जो इस फिल्म में छोटी सी भूमिका कर रहे थे। इस फिल्म के निर्देशक एस एम सागर को काफी कोशिशों के बावजूद संवाद लेखक नहीं मिल रहे थे और उनकी तलाश अंत में जावेद साहब पर आकर खत्म हुई। जावेद, जो कि पहले से कुछ फिल्मों के लिए संवाद लिख चुके थे, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और इस प्रकार उनके फिल्मों में लेखन की शुरुआत हो गई। इसी फिल्म में साथ काम करते करते सलीम खान और जावेद की दोस्ती गहरी हो गई। सलीम जावेद को नए नए सुझाव दिया करते थे और जावेद उन पर संवाद लिखा करते थे। अकेले सफलता न मिलती देख उन दोनों ने जोड़ी के रूप में काम करना शुरू किया। एक पटकथा लेखक के रूप में सलीम खान के साथ उनकी पहली फिल्म 1971 में प्रदर्शित अंदाज थी। सलीम खान और जावेद अख्तर ने शोले, जंजीर और न जाने कितनी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी है। इस जोड़ी को सिनेमा जगत में सलीम जावेद की जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1973 में उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा से हुई, जिनके लिए उन्होंने फिल्म जंजीर के लिए संवाद लिखे। फिल्म जंजीर में उनके लिखे संवाद दर्शकों में काफी लोकप्रिय हुए और पूरे देश में उनकी धूम मच गई। इसके बाद जावेद अख्तर ने सफलता की बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक फिल्मों के लिए संवाद लिखे। जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों के लिए जबरदस्त संवाद लिखकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संवाद के कारण ही रमेश सिप्पी की ज्यादातर फिल्में आज भी याद की जाती है। इन दोनों की जोड़ी ने तकरीबन 24 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें सीता और गीता 1972, शोले 1975, शान 1980, शक्ति 1982 और सागर 1985 जैसी
सफल फिल्में शामिल हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद सलीम जावेद की सुपरहिट जोड़ी अलग हो गई। इसके बाद भी जावेद अख्तर ने फिल्मों में संवाद लिखने का काम जारी रखा। पटकथा लेखक एकल के रूप में उनकी पहली फिल्म बेताब थी और गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी सिलसिला। जावेद साहब ने जयपुर राजस्थान में एक समारोह के दौरान बताया था कि मैंने करीब 1500 गाने लिखे, मेरे हर गाने के पीछे कहानियां हैं। मैंने पहली बार 20 साल की उम्र में एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी। करीब 11 साल तक मैंने सलीम साहब के साथ स्क्रिप्ट लिखी। इसके बाद मैं गीतकार बना। चंद लोगों को ही पता है कि मैं कविता भी लिखता हूँ। एक सुबह यश जी मेरे पास आए और कहा, तुम्हें सिलसिला फिल्म के लिए गीत लिखने हैं। इस फिल्म में हीरो एक कवि है। मैंने इनकार कर दिया। यश साहब जिद्दी थे, वे मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं मान गया। गीत एक ट्यून पर लिखने होते हैं। मैं सोच रहा था कि लिख पाऊंगा या नहीं। मैं यश चोपड़ा जी के घर गया। वहां पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार जी मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक ट्यून सुनाई। तब मैंने गाना देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए का मुखड़ा लिखा। जावेद साहब का विवाह हनी ईरानी से हुआ, जिससे दो बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हुए। फरहान अख्तर पेशे से फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और गायक है। जोया भी निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर चुकी है। पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल चाहता है, लक्ष्य, रॉक ऑन और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक साथ काम किया है। हनी ईरानी को तलाक देकर जावेद अख्तर ने दूसरा विवाह उर्दू लेखक कैफी आजमी की पुत्री और अभिनेत्री शबाना आजमी से किया। अब हम आपको बता रहे हैं जावेद अख्तर के सम्मान और पुरस्कारों के बारे में, तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है। साहित्य जगत में जावेद अख्तर के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 2007 में जावेद अख्तर को पद्म भूषण सम्मान मिला और 2007 में ही उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जावेद अख्तर साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अब तक 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ सर्वश्रेष्ठ गीतकार के 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। इनके नाम हैं, वर्ष 1996 में फिल्म साज, वर्ष 1997 में बॉर्डर, वर्ष 1998 में गॉड मदर, वर्ष 2000 में फिल्म रिफ्यूजी और वर्ष 2001 में फिल्म लगान। जावेद साहब नित नए गीतों की और अपनी सशक्त पटकथा, अपनी नज्मों, अपनी गजलों की सौगात हमें देते रहे, यही कामना उनके चाहने वालों के दिल में है। आपका दिनेश कुमार।